नमस्कार, ट्रैफिक प्लान्स एट योर फिंगर टिप्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। अब हम बात करेंगे उत्तम नगर के पास जो जाम लगता है उसके लिए क्या सलूशन हो सकता है। यहाँ पहले इस प्लान के लेआउट को देखें। यह हमारा जनकपुरी से एक रोड आ रहा है जिसका नाम है मेजर दीपक त्यागी रोड। ये आगे जाकर हमारा नजरगढ़ रोड पर मिलता है। ये ट्रैफिक हमारा ये पंखा रोड से है। जो पंखा रोड से ट्रैफिक आता है वो पहले दीपक त्यागी मार्ग पर रुका रहता है, उसके बाद यहाँ से रुककर वो यहाँ रुका रहता है। एक ट्रैफिक सिग्नल यहाँ पर भी है, तो हमने ये दोनों ट्रैफिक सिग्नल भी हटा दिए हैं। उसकी बजाय हमने यहाँ से एक जो ट्रैफिक सिग्नल है और जो उत्तम नगर का जो ट्रैफिक सिग्नल है, इन दोनों को हटाकर एक दो तरफा रोटरी बनाई है। और ये रोटरी कैसे काम करेगी उसके लिए देखते हैं। जो ट्रैफिक पंखा रोड से विकासपुरी जाना चाहता है वो रोटरी के साइड से होता हुआ यहीं से राइट हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा हमें कर्व देना पड़ेगा ताकि कोई ट्रैफिक जो हमारा उत्तम नगर से नजरगढ़ रोड पर जो उत्तम नगर से ट्रैफिक आ रहा है वो इससे टकराए ना आपस में, यहाँ क्लैश ना हो ट्रैफिक। जो ट्रैफिक ये आ रहा है ये सारा ट्रैफिक नॉन स्टॉप इधर से जाएगा और आगे जाके लेफ्ट में विकासपुरी और सीधा जाना है तिलक नगर की तरफ, तो तिलक नगर जा सकते हैं। जिस ट्रैफिक को तिलक नगर से यहां पर अभी हम देखें तो मेजर दीपक त्यागी मार्ग के ऊपर यहां एक ट्रैफिक सिग्नल है, एक ट्रैफिक सिग्नल हमारा विकासपुरी पर है। तो ये दोनों ट्रैफिक सिग्नल भी मैंने हटा दिए हैं। तो मैंने एक रोटरी हमने बनाई है, एक तो ट्रैफिक सिग्नल जो के पास में है, एक उसके बाद बीच में जो हमारा दो पिलर के बीच का जो गैप है वहां पर एक रोटरी बनाई है ताकि जितना ट्रैफिक विकासपुरी जाना चाहता है वो सीधा जाकर रोटरी से घूमता हुआ इधर आकर मर्ज होकर विकासपुरी जा सके। यहां हमें लगता है कि ट्रैफिक मर्ज होना मुश्किल है, लेकिन अगर ट्रैफिक चलता रहेगा तो उसका वॉल्यूम भी छटता चला जाता है। तो मेरा मानना है, क्योंकि ये लाइन भी हमारी 5 लेन है कम से कम, लेफ्ट हैंड साइड पर 5 लेन है, अगर हमने 2 लेन भी रोटरी को दे दी तो 3 और 2 5 हमारी लेन में ट्रैफिक बड़े आराम से मर्ज होकर चलता रहेगा। और जिसको विकासपुरी जाना है वो विकासपुरी चला जाएगा, जिसको सीधा जाना है वो सीधा चला जाएगा। जिस ट्रैफिक को सीधा जाना है नजफगढ़ रोड के ऊपर, जितनी बसेस और जितने दूसरे प्राइवेट व्हीकल हैं वो सारे बिल्कुल सीधे आएंगे। यहाँ से कंपलसरी लेफ्ट होगा और रोटरी से होते हुए जिसको उत्तम नगर जाना है वो उत्तम नगर जा सकता है। जो बाई चांस विकासपुरी का टर्न भूल गया है वो आगे से जाकर विकासपुरी जा सकता है। जिसको यहाँ पर मैंने एक ट्रैफिक सिग्नल और बंद कर दिया है, क्योंकि इस ट्रैफिक सिग्नल की वजह से यहाँ पर बॉटलनेक्स बनते हैं बहुत ज़्यादा, और जितना भी ट्रैफिक यहाँ खड़ा रहता है वो ऑलमोस्ट पंखा रोड ही आना चाहता है। तो जितना ट्रैफिक इस तरफ खड़ा रहता है रेड लाइट के ऊपर ट्रैफिक सिग्नल पर, वो डायरेक्ट सीधा आएगा और सीधा आकर एक यहाँ रोटरी बनी हुई है और नॉन स्टॉप चला जाएगा। इनके लिए थोड़ा सा हमें लगता है कि लंबा है, लंबा नहीं है, क्योंकि जितना डिस्टेंस ये है और इनको यहाँ भी खड़ा होना पड़ता है, यहाँ ट्रैफिक सिग्नल पे भी खड़ा होना पड़ता है, वो डायरेक्टली इस तरफ से आकर और रोटरी से होते हुए लेफ्ट चले जाएंगे। जितना ट्रैफिक हमारा मेजर दीपक त्यागी मार्ग से आता है वो सीधा आकर नॉन स्टॉप रोटरी लेता हुआ विकासपुरी रेड लाइट ट्रैफिक सिग्नल और दीपक त्यागी के पास यहाँ जो ट्रैफिक सिग्नल है, इन दोनों के बीच में डबल रोटरी बनेगी ताकि एक रोटरी इधर जाने के लिए और एक रोटरी तिलक नगर जाने के लिए, तो ये तिलक नगर के लिए इधर से चले जाएंगे। जो ट्रैफिक हमारा विकासपुरी से आता है वो ट्रैफिक का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम है, ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, तो वो सारा ट्रैफिक जो है आगे से जाकर, मैंने मेरा नेक्स्ट प्लान है जो हम डिस्ट्रिक्ट सेंटर के पास जो झुंड बनता है, जो बॉटलनेक्स बनते हैं शाम के वक्त पर्टिकुलरली, क्योंकि विकासपुरी का जो एलिवेटेड रोड है वहाँ तक सारा ट्रैफिक भरा रहता है, वो मैं अपने अगले एपिसोड में डिस्कस करूंगा। इस ट्रैफिक प्लान के बारे में डिपार्टमेंट में से कुछ पर्सनल्स को, ट्रैफिक पर्सनल को अगर कोई डाउट है या पूछना चाहते हैं कहीं किसी तरह का, उनको लगता है कि हो सकता है या नहीं हो सकता, तो
तो वो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, वो मुझे बुला सकते हैं। मेरा टेलीफोन नंबर इसी हमारे एपिसोड के साथ ही दिया गया है। थैंक यू वेरी मच।